वेरी वेरी वेल. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 4. एंड अगर आपने लास्ट 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके देखिए, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, नहीं तो सब कुछ आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा. सो या तो लास्ट वीडियो में हमने डन किया था अपना बेस पूरा का पूरा 3rd वीडियो में, तो जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा. एंड आज हम करेंगे अपना आई मेकअप डन. तो आज मैं अपना बेस दोबारा से करके ही बैठी थी. एंड आज मैं करूँगी अब सीधा अपना आई मेकअप को स्टार्ट. तो आई मेकअप में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कोई भी अच्छी क्वालिटी का ऑरेंज, पहले तो ऑरेंज करेक्टर अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं. उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोई भी अच्छा सा कंसीलर, टू वाइट कंसीलर या कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो. हाँ, वाइट कंसीलर से बहुत ही प्यारा रिजल्ट आता है. तो मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा कंसीलर लूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी लगा लिया था, क्योंकि जो भी लेफ्ट ओवर था तो उसको मैंने लगा लिया था इस पर. एंड मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड. अपनी आईज़ को बंद कर लो और अच्छे से ब्लेंड करो, ताकि आपकी आईज़ को एक अच्छा कैनवस प्रोवाइड हो एंड उस पर जो आपके कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से निकल के आए. तो ब्लेंड, मिक्सी चला लो भाई, ब्लेंड करके, है ना. तो आइस को बंद करके मज़ा बड़ा आता है, ठंडा ठंडा होता है ना ये, बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक हो गया ब्लेंड अच्छे से. हाँ या अब इसको अच्छे से ब्लेंड करके बिल्कुल भी आइस बंद नहीं करनी है. एंड आपको लेना है एक अच्छा सा ब्रश और एक पाउडर. मैं वही शुगर का ट्रांसपेरेंट पाउडर यूज़ करूँगी. एंड मैं इसको अच्छे से अपनी आईज़ के ऊपर लगा लूँगी, कि बिल्कुल भी क्रीमी ना लगे, क्योंकि जो मेरी आई शेडोज़ हैं वो सारी की सारी पाउडर प्रोडक्ट है. तो पाउडर प्रोडक्ट बिल्कुल, ये भी पाउडरी हो जाए, बिल्कुल क्रीमी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कलर्स चलेंगे नहीं इस पर. एंड आँखें ना खोल लूँ मैं अपनी. या इट्स डन. एंड अब हम शुरू करेंगे, हमारा जो कैनवस है हमारी आईज़ के लिए वो हो गया है रेडी. एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप स्टार्ट करना, कलर्स फिल करना एंड उसको एक बिल्कुल झक्कास बनाना. तो मैं यूज़ करूँगी 2 टाइप के आई शेडो पैलेट. ये है सुपर अफोर्डेबल मार्स का आई शेडो पैलेट एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से पिगमेंट हैं इनके कलर्स में. एंड बिल्कुल भी वो मतलब ऐसे क्रिस्टल वाली फीलिंग नहीं आती, बहुत ही अच्छा स्लिमनेस फिनिश देता है ये आपको एंड सुपर अफोर्डेबल. एंड उसके बाद मैं सेकेंड यूज़ करूँगी अपना यूरोप गर्ल का ये पैलेट, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्स भी हैं. मेरे पास और भी पैलेट्स हैं, मेरे पास एक स्विस बीसी का पैलेट है भी है, इन्फिनिटी लुक्स. एंड इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं. एंड इवन इसमें एक दो शिमर टाइप भी कुछ दिया गया है. उसके बाद मेरे पास एक और पैलेट है जो भी बहुत प्यारा पैलेट है. एंड इस पैलेट को पारुल गर्ल मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. एंड ये है मॉफी का पैलेट एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेड है आपके पास. एंड ये काफ़ी बड़ा पैलेट है, आई थिंक इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 40 शेड्स है इसमें. तो काफ़ी ज़्यादा पैलेट है आप, क्योंकि रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोई शेड पर्टिकुलर ऐसा होता है जो दूसरे में नहीं मिलता, कोई उसमें ऐसा होता है जो उसमें नहीं मिलता, तो दैट्स वाई हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा पैलेट्स में. तो हम स्टार्ट करते हैं आज स्विस ब्यूटी के पैलेट से. तो हम इसमें से सबसे पहले लेंगे कोई ब्राउन शेड का शेड, ठीक है. तो मैं चूज़ कर रही हूँ एक ब्राउन शेड एंड दिस ब्लेंडिंग ब्रश. तो सबसे पहले हम अपनी क्रीज लाइन पे, जो क्रीज लाइन है हमारी, उस पे ब्राउन शेड बिल्ड करेंगे. मैं एक न्यूड सा ब्राउनिश पिंक सा लुक क्रिएट करूँगी, बट काफ़ी क्रिएटिव और अच्छा क्रिएट करूँगी. एंड उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में आपको अलग अलग शेड्स बताते रहेंगे हम, डोंट वरी. अभी इस पर फोकस करते हैं, ओके. तो सबसे पहले मैं अपनी अपर क्रीज लाइन पे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके अपनी उसको
स्टार्ट करूँगी ब्लेंड करना। एंड जब भी आप प्रोडक्ट पिक करो, पहले प्रोडक्ट पिक करो एंड उसको डैप इट आउट करके, अब देखो आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है, एंड उसको निकालो। उसके बाद आप अपनी आईज पे उसको ब्रश को, ब्रश की हेल्प से प्रोडक्ट को अप्लाई करो, एंड देन धीरे 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 करके उसको ब्लेंड करो। आई मेकअप में ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपका ब्रश जो है एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपने ब्रश को, क्योंकि ब्रश पे है प्रोडक्ट, तो अगर आप कहीं भी अपने ब्रश को लेके जाओगे तो वो प्रोडक्ट भी कहीं भी चला जाएगा। ओके, एंड अब मैं इस लाइन पे, इस आईज पे आ रही हूँ, एंड अपनी दोनों की दोनों आईज को इक्वली लेके चलना, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपको इक्वली लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भाई जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस करी हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ये काम करते, उनको एक्सपीरियंस होता है कि वो कर लेते हैं। बट अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट ही करा है, तो आप आराम आराम से दोनों तरफ की आईज को इक्वली साथ साथ में लेके चलो, ठीक है। एंड अच्छे से धीरे धीरे से, बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस से, धीरे धीरे से आपने अपने कलर्स को पिक करना है, एंड धीरे धीरे अप्लाई करना है, एंड बड़े ही पेशेंस के साथ उसको ब्लेंड भी करना है। ओके, एंड ब्लेंड 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 करी जाना है आपने बड़े प्यार प्यार से और पेशेंस के साथ, तभी आपका एक अच्छा सा प्यारा सा लुक निकल के आएगा। तो अपनी अभी क्रीज लाइन को मैं ब्राउन शेड्स में ही इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बड़े ही अच्छे से, बिल्कुल भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए आई मेकअप में आपके। जितनी अच्छे से आप ब्लेंडिंग करोगे, उतना ही ब्यूटीफुली, उतने ही प्यारे तरीके से आपका जो आई मेकअप है वो निकल के आएगा। सो अभी मैंने जो अपने ब्राउन शेड्स यूज़ करने थे वो कर लिए हैं, एंड अपने जो आउटर क्रीज लाइन है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इस पे। एंड उसके बाद अब मैं चूज़ करूँगी एक डार्क शेड का पिंक कलर, एंड उसको भी मैं आगे डैप इट आउट करूँगी, एंड अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी शेड को, एंड एक डार्क ट्रांजिशंस बनाने की ट्राई कर रही हूँ मैं। एंड अपने आउटर लाइंस से इसको अंदर की तरफ लेके जाऊंगी, मिडल आई की तरफ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शेड लेना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और उसको धीरे धीरे से अप्लाई करना है। एंड इसको अंदर की तरफ मैंने, आउटर लाइन से लेके अंदर की तरफ को लेके जाना है मैंने इसको। एक डार्क शेड से मैं एक डार्क ट्रांजिशन बनाना चाहती हूँ, एंड सेम ही मुझे कलर्स पिक करके डैबेड आउट करके अपनी इस साइज पे आना है। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी सी भी दिखने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरे को भी मिरर में देखना पड़ रहा है, एंड बट आई टोटली ट्राई कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा या आपको डाउट्स होंगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या मेरी इंस्टा आईडी है मान्या मेकओवर्स 1, उस पे जाके भी मैसेज कर सकते हो एंड मेरे से क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। एंड अभी मैं इसी अपने आउटर कॉर्नर से इनवर्ड की तरफ मैं कलर्स को अप्लाई कर रही हूँ, डार्क शेड, कंपैरेटिवली डार्क शेड जो मैंने शेड अपनी आई क्रीज लाइन पे यूज़ करा है वो था ब्राउन। एंड अभी मैं हॉट पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी आउटर लाइंस पे, बट इनको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इनमें बिल्कुल भी, बिल्कुल स्लीमलेसली फिनिश, स्लीमलेस फिनिश आनी चाहिए आपकी। तो आई थिंक इट्स लुक ग्रेट। ओके, एंड यहाँ पे मैंने डार्क, सॉरी लाइट शेड यूज़ करा है यहाँ पे डार्क इनवर्ड की तरफ। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अब अपना एक बहुत ही शार्प कंसीलर ब्रश, वेट अ मिनट, या ओके,
इज माई कंसीलर ब्रश, ये रहा। तो मैं इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन, कट क्रीज क्रिएट करूँगी और आपको कट क्रीज क्रिएट करके दिखाऊँगी मैं कि आपको कट क्रीज कैसे। एंड कट क्रीज डेफिनेटली आपके आईज़ को बहुत अच्छी प्यारी शेप देती है एंड काफ़ी बड़ा भी शो करते हैं। और आपको अपनी आईज़ को बंद करना है एंड अपने इनर कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाते हुए इनर कॉर्नर से अंदर की तरफ जाते हुए हमने कंसीलिंग करके एंड उसके बाद हमने एक यूज़ करना है शिमर, काइंड ऑफ थोड़ा सिल्वर सा शिमर काइंड ऑफ था, मैंने वो यूज़ करा है फ्रॉम दिस पैलेट, ये वाला शेड है वो, तो इसको यूज़ करना है हमने अपने इनर कॉर्नर पे बिल्कुल हल्का हल्का सा। एंड उसके बाद उसको अंदर की तरफ थोड़ा स्प्रेड कर देना है एंड उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ लाइनर लगाने के बाद। लाइनर मैं लगाऊंगी बिल्कुल ही सिंपल सा, तो एंड आई डोंट थिंक कि लाइनर वाली कॉन्सेप्ट किसको समझाने की ज़रूरत है आज के टाइम में, कि लाइनर लगाना तो बच्चे बच्चे को आता है। तो मैं मिलूंगी आपको लाइनर लगाने के बाद। एंड मैं लाइनर कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर आर 52 पैक आफ्टर अप्लाइंग माई मस्कारा। सो आई डन माई लाइनर एंड मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा आईज़ के मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल जो लाइनर होते हैं वही अप्लाई करा है क्योंकि मेरे को यही सूट करता है। आप कोई भी विंग लाइनर, कैट लाइनर, कुछ भी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनर डिज़ाइन की भी वीडियो अपलोड करूँगी आने वाले टाइम में। तो उसके बाद हम लाइनर लगाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो आई मेकअप है वो डन हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी लोअर लैश लाइन पे मेकअप स्टार्ट। तो मैं सेम वही सबसे पहले ब्राउन शेड यूज़ करूँगी फॉर माय आउटर लाइन एंड उसके बाद मैं मतलब ब्राउन और पिंक दोनों शेड्स को मिक्स करके अपने इनर कॉर्नर की तरफ आऊँगी एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड इस स्टेप में सीरियसली क्लाइंट की आंखों में बहुत पानी आता है, तो कुछ क्लाइंट्स आराम से कैरी कर लेते हैं इस चीज़ को, बट कुछ तो वही बहुत ही पानी निकालते हैं, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल विद दैट। एंड ट्रूली आता भी है अभी मेरी भी इसमें, एक्चुअली ये जो आई शेडो होती है, आई शेडो के शेड्स होते हैं, ये थोड़ा ना आँख में जाता है, दैट्स वाई। तो आपको यही ब्राउन एंड पिंक जिस शेड को मिक्स करके आपने अपना आई मेकअप लुक क्रिएट किया था, उन्हीं शेड्स को लेके आपने अपने लोअर लैश लाइन को डेकोरेट करना है। एंड अपने इनर कॉर्नर की तरफ अगेन मैं वही वाइट वो वही यूज़ करूँगी एंड डन माई आई मेकअप। सो दिस इज अ सिंपल एंड ब्यूटीफुल टेक्निक टू अचीव अ ब्यूटीफुल आई मेकअप। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना मस्कारा एंड मस्कारा यूज करूँगी एंड मस्कारा इज अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52। वेयर इज माय मिरर, सो या मस्कारा यूज़ करूँगी एंड दिस इज वाटर प्रूफ मस्कारा फ्रॉम फॉरएवर 52। एंड आप लैशेज भी यूज़ कर सकते हो, अभी मेरे को लैशेज नहीं यूज़ करनी है क्योंकि मैंने कभी अपने में लैशेज नहीं लगाई हैं। मैं लैशेज लगाने की टेक्निक के लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो डेफिनेटली डाल दूँगी एंड आप वो वीडियो देख के मैं आपको बता आप वो वीडियो देख के सीख सकते हो कि आपको लैशेज कैसे अप्लाई करनी है। मैं अपने किसी क्लाइंट पे जब लैशेज अप्लाई कर रही होंगी मैं तभी आपको उस वीडियो डाल दूँगी एंड आप उसको देख के आप
इजीली आप एक अच्छी क्वालिटी का मस्कारा यूज़ करो एंड उसको डबल कोट करो, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी फिनिश मिलेगी. मतलब आई डोंट थिंक कि आपको लैशेस लगाने का मन भी करेगा, बट हाँ जब ब्राइडल मेकअप एंड ऑल होते हैं तो लैशेस डेफिनेटली लगाने पड़ते हैं. तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. आई मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो एंड अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट करो एंड आई थिंक सो यू डेफिनेटली लाइक दिस लुक. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लव यू ऑल एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. एंड अगर आपको कोई भी आपका मन करता है कि स्पेसिफिकली आपको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप इस चीज़ पर वीडियो बनाओ या उस चीज़ पर वीडियो बनाओ. आई डेफिनेटली डू दैट एंड लव यू.